20-22 लोग आते हैं, मैं देती हूँ। मतलब उसने बहुत मेरे को मस्का लगा। तुझे पता है मैं किसकी बीवी हूँ? नमस्कार प्रणाम साथियों, आज हमारे साथ हैं वायरल भाभी जो कि सिवान की रहने वाली हैं। तो भाभी जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाभी जी। आप इस खूबसूरती का राज पहले बता दीजिए। का है? कुछ नहीं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सबसे ज्यादा यही राज है। अच्छा, आप रील कब से बनाती हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। आप सबसे पहले रील किस गाने पर बनाई थी, कुछ याद है? पहले गाने पे ऐसी बनाती या वो तो नहीं याद नहीं। अच्छा, कौन से गाने पे वायरल हुई आप? सरिया हो सैया ए सैया दाबन हमार करी हैया, यही शिल्पी राज के गाना है, दाबन हमार करी हैया। हां जी, आप कौन से फोन से बनाती हैं वीडियो? iPhone 30 Pro। तो ये आप जब से रील बना रहे तब से ली हैं कि मतलब जब से वायरल होने के बाद? मैं पहले ही ली थी। वायरल होने के पहले? हाँ, वायरल होने से पहले ली थी मैं। ऐसे ही मेरे को फोटो खींचना अच्छा लगता है, फोटो अच्छा लगता है इसीलिए। अच्छा, बता दे कि आप पुलिस की जो बीबी हैं तो आपके हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है? नहीं, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। हम आम आई इंसान है, हम डांस कर सकते हैं, हम पुलिस में नहीं है ना, बस यही बात है, हम आम इंसान है, जी सकते हैं। अच्छा, आपको उनसे डर नहीं लगता है? उनसे डरते हैं, डरते हैं। अच्छा, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हीरो कौन से लगते हैं, कौन है खेसारी? अगर आप किसी को किसी फिल्म या फिर गाने में अगर आपको ऑफर है तो मेरे को जो स्टार बुलाएंगे मैं चली जाऊंगी जी, मेरे लिए सब एक समान है। अभी आपको भोजपुरी में सबसे अच्छा गाना किसका अच्छा लगता है? मैं तो सबके गाने पे बनाती हूँ, मेरे को सब जो ट्रेनिंग में गाने आते हैं ना मैं उन पे रील बनाती हूँ, तो मेरे लिए सब अच्छा लगता है गाना, है कि नहीं? अच्छा, बता दे आज आपका एनिवर्सरी है? जी, मेरा आज एनिवर्सरी है, शादी के 3 साल हो गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका शादी 3 साल पहले हुआ है? हाँ हाँ, 2021 में। और करीब 3 साल पहले हो गया, आपके एक बच्चे भी बताए जाते हैं? हाँ, मेरा 2 साल का बेटा है। लेकिन लगता नहीं आपका 2 साल का बेटा है? अब आपको क्या कह सकती हूँ मैं, है मेरा बेटा। हाँ। नेहा जी, आप वायरल कब हुई, आपको अपने से पता लगा कि कोई आपको बताया कि हम वायरल हो गए? आए थे मीडिया वाले। अच्छा जी, आपको नहीं पता था कि हम वायरल हो गए हैं? नहीं पता था। तो आपको वायरल होने पे कैसा लगा कि हम वायरल हो गए हैं? ठीक लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा मेरे को। हाँ। और क्या नाम है कि मीडिया जो बंधु आते हैं बहुत बहुत सी आपकी गलत खबरें भी चलाते हैं? नहीं, मैं देखो मैं बोलती कुछ और डालते कुछ और है। हाँ। मैं किसी इंटरव्यू में बोली थी कि मैं रोज 20-22 लोग आते हैं, मैं उन्हें इंटरव्यू देती हूँ। हाँ। तो उस लड़के ने डाला था कि हाँ रोज 20-22 लोग आते हैं, मैं देती हूँ। मैं क्या दे, तू आगे तो बता डाल भाई। और तुझे पता है मैं किसकी बीवी हूँ? सही बात है। मैं बस छपड़ा में ना एक दरोगा आए हैं, वो मतलब मीडिया वाले पे एक रूल निकाले हैं कि अगर किसी ने फेक वो क्या कहते हैं फेक न्यूज निकाला उस पे 7 लाख रुपया और पता नहीं कितने दिन का जेल है, जुर्माना लगा है कि नहीं? तो मेरे खिलाफ फेंके फैलाए है ना। मैं बोली इंटरव्यू देती हूँ, उसने बोला कि 10-20-22 लोगों के देती हूँ। क्या देती हूँ, तू आगे इंटरव्यू नहीं डाल सकता? व्यूज कमाने और उस पे व्यूज उसको ज्यादा मिला है ना, तो लग रहा है कि मतलब हाँ मैंने कितना अच्छा बात डाल दिया है। वो दोबारा नहीं आएगा मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए? मेरे से मतलब जो भी लोग इंटरव्यू ले गए हैं, अच्छे लोग जो भी मेरे से अच्छे बात किए, उनसे मैं अच्छे मतलब इंटरव्यू दी हूँ, वो लोग दोबारा आ रहे हैं, मैं उन्हें बुला के दे रही हूँ इंटरव्यू। वो आएगा, अब आएगा मुझे और सामने मिल जाएगा तो मुझसे तो अच्छे से पूछूंगी। पता, अगर तेरी बहन अगर वायरल हुई होती और मीडिया वाले ऐसे आते ऐसे सवाल करते और कोई तुम्हारा बहन का वीडियो ऐसे डाल देता तो तुझे कैसा लगता कि मैं बोली इंटरव्यू की बात, उसने डाला कुछ और बात? ये गलत है ना, इसीलिए मैं किसी को नहीं बुला रही। मैं बोलती कुछ और हूँ, बोलते कुछ और, डालते कुछ और है, तो बताओ उसकी वजह से मैं सारे मीडिया वाले को इसी वजह से नहीं बुला रही मैं? हाँ, मैं देख रही हूँ, जांच परख रही हूँ कि कौन कैसा है, तब मैं बुला रही हूँ। मेरे को उस दिन से खुंदक आ गया, मेरे को मन करे वो मिल जाता मैं तब अच्छे से बताती उसे, नहीं तो मन करे कंप्लेन कर दूं, पर उसने बोला मैं हटा दूंगा। अभी हटाया कि नहीं वीडियो? अभी देखी नहीं मैं, अगर नहीं हटाया तो फिर मैं वही एक्शन लूंगी, मैं यही नगर थाना में कंप्लेन कर दूंगी, मेरे बारे में ऐसे फेक पता नहीं बोलती कुछ और डाला कुछ और, उसी ने डाला है बस। हाँ,
डालो, देखो मैं कह रही हूँ ये बात नहीं है, मैं जो बोलती हूँ वो सारा डालो ना, व्यूज कमाने के लिए कुछ भी डाल दोगे गलत है ना, गलत है। हम कितने सीधा साधे, हमारे घर आते हैं लोग जो जैसे बोलते हैं कि छत पे चल के इंटरव्यू दे, इतनी जड़ती धूप में, अभी तो थोड़ा तापमान कम हुआ है, उस टाइम जब मैं वायरल हो रही थी नए नए में, सब कोई हमको दिन दिन भर छत पे रखता था, मैं दिन दिन भर जाके इंटरव्यू देती थी छत पे, उन लोगों के लिए इतना मैं करी और मेरे बारे में जाके ऐसे बोल दिए लो, डाल दिए लो, ये गलत है ना, ऐसा मत करिए लो प्लीज, जो भी है ना ठीक है। तो मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूँ कि चंद व्यू के लिए किसी को बदनाम न करें और अपने अपना भी इज्जत कायम रखें और एक लेडीज का भी इज्जत जो अपनी क्या नाम है जो भी वायरल होता है इसको भी अपना बहन या कुछ जो भी अपना परिवार के सदस्य। मैंने वो बोला कि मैं अभी नया नया वो करा हूँ, शुरू किया हूँ जो भी है, मतलब उसने बहुत मेरे को मस्का लगा, मैंने बोली जाने यार इसने नया चैनल शुरू किया है, कोई नहीं इसका भी प्रमोट हो जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा, मतलब वो कमाल है, मैंने उसके लिए भला सोचा, उसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया है कि नहीं, गलत है, गलत है, बहुत गलत है भाई, तू जो भी है तू हटा दे ठीक है, मैं यही कहूंगी तू हटा दे, नहीं तो मेरे को भी एक्शन लेने आता है। अच्छा आपको अभी मतलब इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से कभी कोई पेमेंट वेमेंट आया कि नहीं? पेमेंट की बात छोड़ो, कुछ नहीं आया अभी, अभी कुछ नहीं पेमेंट, इंस्टाग्राम पे थोड़ी पैसे मिलते हैं, एड प्रमोशन के लिए कुछ आया है, मतलब चार जने लोगों का मतलब मैसेज आया था ठीक है, पर मैं वो देख नहीं पाई, हाँ मैं देख ही नहीं, मेरा बेटा फोन ही नहीं देता ना, उसी को काम करना है बनारा को, ज्यादा वही फोन लेके चलाता है, लेके क्या करूँ, उसको दे देती हूँ फिर मैं काम वम करती हूँ घर का। लेकिन तो वो तो दो साल का भैया है। हाँ तो अब दो साल का इतना, जब तक मोबाइल नहीं लेगा तब तक खाना ही नहीं खाएगा, हाँ खाना खाएगा तो मोबाइल चाहिए उसको, आजकल के मेरे बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना करने के चक्कर में मतलब मैं दे देती हूँ फोन, ऐसे नहीं है, बहुत भतेरे लोगों के बच्चे हैं वो जो फोन देखते हैं, एक मेरा ही बेटा नहीं है, हाँ मैं कब देती हूँ, जब मैं काम वाम करती हूँ ना घर का तब दे देती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं प्यास में आती हूँ तो मैं छीन लेती हूँ, हाँ उसके बाद मैं अपना उसको खिलाती हूँ लाती हूँ जो भी है। तो भाभी जी आज आपका एनिवर्सरी है तो आप गिफ्ट क्या मिलेगा कुछ? अब वो लाए हैं गिफ्ट, लाए हैं, बोल तो रहे थे कि लाए हैं गिफ्ट तुम्हारे लिए, हाँ 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 चंदन सर लाए थे, साड़ी लाए थे मेरे लिए, चंदन सर भैया साड़ी लाए थे, हाँ साड़ी लाए थे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तमाम तरह के लोग आते हैं इसके बारे में, क्या रिएक्शन आपके ऑस्कर का, क्या रिएक्शन? नहीं देखिए अब वायरल हुई तो आएंगे आप लोग, आपको इंटरव्यू दू ना मतलब दूसरे को ना दू तो ये गलत है ना, है कि नहीं? अब यही है जो आते हैं लोग, इंटरव्यू देती हूँ मैं, अभी देती हूँ और वो भी कुछ ऐसी डाल दिया, देती हूँ मतलब कुछ और दूसरा डाल दिया, वो गलत है यार भाई, जो भी है तू, तेरे से रिक्वेस्ट है तू भाई हटा दे ये गलत है। हेलो गाइस, मैं नेहा गुप्ता, बिहार पुलिस की वाइफ ठीक है, और ये लोग हमसे मिलने आए हैं बनारस से ठीक है, बनारस से आए हैं मिलने के लिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और लाइक करिए और शेयर करिए।